नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, लगाई गई है सख्त पाबंदियां। झारखंड में कोरोना की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एवं राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में बड़ा निर्णय लिया और राज्य में लॉकडाउन को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया। पहले से चल रहे लॉकडाउन के नियमों में भी बदलाव करते हुए पाबंदियाँ और भी सख्त कर दी है। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम ने यह निर्णय लिया कि लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए और सख्ती के साथ बढ़ाया जाए। लोग सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें घरों से निकलने की वाजिब वजह बतानी होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ मेडिकल संबंधित, शादी समारोह संबंधित और अंतिम संस्कार संबंधित को ही अनुमति दी गई है। झारखंड में 18 साल से ऊपर के लोगों का 1 मई से नहीं हो सकेगा टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कारण। देश भर में 1 मई से शुरू हो रहे 18 साल से 45 साल के लोगों का टीकाकरण पर झारखंड में ग्रहण लगता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि झारखंड में 18 प्लस लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार के पास टीका ही नहीं है। मंत्री ने कहा कि 18 से 45 साल तक के लोगों को फ्री में टीकाकरण करने की तैयारी हो चुकी है। 2229 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र भी तैयार है। अपने पैसे से टीका खरीदने के लिए झारखंड सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 25-25 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन कंपनियों ने 15 मई से पहले टीका उपलब्ध करने में असमर्थता जाहिर की। केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही कंपनियों को 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा। ऐसे में जब कंपनी के पास टीका बना हुआ ही नहीं होगा तो वह हमें कहाँ से टीका देगी। कोविड को मात देने के लिए आधुनिक पावर ने झारखंड सरकार को दिया आर्थिक सहयोग। पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड ने कोविड महामारी को मात देने के लिए झारखंड सरकार को आर्थिक सहयोग किया है। गुरुवार को आधुनिक पावर प्रबंधन ने उपायुक्त सरायकेला खरसावां के माध्यम से झारखंड सरकार के जिला आपदा प्रबंधन में 10 लाख रुपए का अनुदान दिया। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में आधुनिक पावर कंपनी झारखंड सरकार व जिला प्रशासन के साथ हर संभव सहयोग के लिए परस्पर खड़ी है और अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पूर्व भी आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड के कर्मचारी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने मासिक वेतन में से 1 दिन का वेतन देकर सरकार को सहयोग किया था। कोरोना के संक्रमण से झारखंड में आज 145 की मौत हो गई, जबकि 5961 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को 5961 नए मरीज मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55877 हो गई। राज्य में गुरुवार को 36291 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 5961 लोग संक्रमित ही पाए गए। प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 16 संक्रमित मिले हैं। रांची में सर्वाधिक 1539 संक्रमित मिले हैं। यहां लगातार 17वें दिन 1000 से अधिक संक्रमित की पहचान हुई है। राहत की बात यह है कि राज्य में 24 घंटे के भीतर 4755 मरीज स्वस्थ भी हुए। एक दिन में स्वस्थ होने वाले मरीजों की अब तक का यह सर्वाधिक रिकॉर्ड है। हालांकि चिंता का विषय यह है कि गुरुवार को भी राज्य में 145 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। इनमें 59 मरीज रांची के ही थे। रामगढ़ में भी 13 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम में भी 12, धनबाद में 11, हजारीबाग में 8, बोकारो व खुट्टी में 7-7, कोडरमा में 5, सरायकेला व पश्चिमी सिंहभूम में 4-4 लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह व गोड्डा में 3-3, पलामू व साहिबगंज में 2-2, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, देवघर में 1-1 मरीज की इलाज के क्रम में मौत हो गई। गुरुवार को कहां से कितने संक्रमित मिले हैं आइए जानते हैं। बोकारो से 320, चतरा से 68, देवघर से 251, धनबाद से 129, दुमका से 60, पूर्वी सिंहभूम से 890, गढ़वा से 140, गिरिडीह से 162, गोड्डा से 98, गुमला से 150, हजारीबाग से 413, जामताड़ा से 93, खुट्टी से 199, कोडरमा से 173, लातेहार से 167, लोहरदगा से 130, पाकुड़ से 2, पलामू से 192, रामगढ़ से 222, रांची से 1539, साहिबगंज से 43, सरायकेला से 144, सिमडेगा से 129 और पश्चिमी सिंहभूम से 247 लोग संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, बोले अफवाहों पर ध्यान न दें।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कोरोना वायरस का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के साथ हर वक्त खड़ी है। कोविड 19 का टीका सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने टीका को लेकर भ्रांतियां, डर और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कोरोना टीका लेने के बाद सीएम सोरेन ने सभी राज्यवासियों से टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप सभी के प्रयास से इस कोरोना पर जल्द काबू पाया जाएगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा का निधन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सिंहभूम के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा का बुधवार की रात्रि करीब 2:10 पर जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 22 अप्रैल को तबियत खराब होने के बाद उन्हें चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद में जब आरटीपीसीआर जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 22 अप्रैल को दोपहर में इलाज के लिए उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी पर मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने रांची में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं की हो रही कालाबाजारी पर एसएसपी को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही जरूरी दवाओं की कालाबाजारी न हो इसकी मॉनिटरिंग सीआईटी से कराने का निर्देश दिया। अदालत ने अस्पतालों में पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में तैनात करने को कहा, ताकि वह कालाबाजारी करने वालों पर नजर रख सके। रांची से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की कई उड़ानें बंद। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए जाने वाले यात्रियों की कमी पड़ गई है। रांची से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद आदि शहरों को जाने वाले यात्री अब कम निकल रहे हैं। इसके चलते अब कंपनियां अपनी उड़ानें सीमित करने की सोच रही है। 3 दिनों के अंदर ही रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले कुल 19 फ्लाइटें रद्द हो गई। बुधवार को भी एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए उड़ान भरने वाली 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो जल्द ही रांची एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या और भी कम हो सकती है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है, इससे कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 2 मई तक इसका असर रह सकता है। 3 मई से मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई को कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। दोनों दिन को लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। भारत मौसम विभाग ने बताया कि 30 अप्रैल और 1 मई को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी मैदानी इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 1 मई को पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती मैदानी इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना है। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन रद्द। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबद्धता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और स्नातक इन फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए होने वाली असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। यह मूल्यांकन 30 अप्रैल से होना था। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्र की अध्यक्षता में मूल्यांकन के लिए बनी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। गोड्डा झार न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं और आप सबों से आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर आपको सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी है तो डॉक्टर से आप जरूर संपर्क कर लें। अगर आपको ठंड लगने के साथ बुखार हो रहा हो तो आप सतर्क रहें। अधिकांश ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें टाइफाइड के लक्षण वाले मरीज कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कई बार रैपिड या आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आ रहा है। टाइफाइड की आड़ में कोरोना वायरस तमाम कोरोना जांच को धोखा दे रहा है। दैनिक जागरण के डॉक्टर ऑनलाइन कार्यक्रम में पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी ने कहा कि जिन लोगों को टाइफाइड के लक्षण हैं, वह कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद जांच में नेगेटिव मिल रहे हैं, ऐसे लोग विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। इन मामलों में वायरस फेफड़ों में छिपकर तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है।
डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सकों से परामर्श लें, जरूरी जांच कराएं, बिना चिकित्सकों की सलाह के दवा नहीं लें। झारखंड में बिना कोविड किट के ही शिक्षकों को कोविड केयर में किया जा रहा है प्रतिनियुक्त। संघ ने कहा, कोविड ड्यूटी में तैनात शिक्षकों का 50 लाख का हो बीमा। राज्य में शिक्षकों को कोविड ड्यूटी में लगाने का विरोध शुरू हो गया है। अब अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम को चिट्ठी लिखकर कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों का 50-50 लाख रुपये की बीमा कराने की मांग की है। संघ ने सीएम से ऐसे शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही ऐसे शिक्षकों को उनके परिजनों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की भी मांग सीएम से की गई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल, वैक्सीनेशन और कोविड जांच केंद्रों पर अलग अलग शिफ्टों में शिक्षकों से काम लिया जा रहा है, जो कि अभी तक शिक्षकों को कोविड सुरक्षा किट भी नहीं दिया गया। इसके कारण कोविड केंद्रों पर प्रतिनियुक्त कई शिक्षक खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, जिससे उनके खुद के साथ साथ परिवार भी मानसिक दबाव में रह रहे हैं। खबर है झारखंड के रांची से। हैदराबाद से 44 मजदूरों को लेकर गोड्डा जा रही बस ट्रक से टकराया, चालक की मौत, कई लोग घायल हो गए। सिकिदरी थाना क्षेत्र के सिकिदरी और माझी पथ में सांडी चूड़ा मिल के पास गुरुवार की तड़के 2 बजे के करीब बस व ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में ट्रक चालक रविंद्र कुमार, जिनका उम्र 40 वर्ष था, मौत हो गया। मृतक नया टोली सिमलिया रातू का रहने वाला है। बस चालक हैदराबाद निवासी नासिर हुसैन भी घायल हो गया। ट्रक में पशु चारा चोकर लदा हुआ था। ट्रक बोकारो से रांची आ रही थी, जबकि बस हैदराबाद से 44 मजदूरों को लेकर महगमा गोड्डा जा रही थी। दुर्घटना के बाद ट्रक में लदा चोकर के बोरे सड़क किनारे बिखर गए। फिलहाल सिकिदरी पुलिस बस व ट्रक को जब्त कर थाना ले गई है। साथ ही घायलों का इलाज रिम्स में किया जा रहा है। वहीं सब को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों के परिजनों को भी हादसे की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।